अवेयरनेस प्रोग्राम जो है रखा हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस हिसाब से हमारे देश में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज़मर्रा हम देखते हैं कि जगह जगह पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कितने लोग हमारे जो मर रहे हैं एक्सीडेंट्स में और जख्मी हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट से भी डायरेक्शन है और बाकी डिप्टी साहब से भी डायरेक्शन है कि हम जगह जगह पर खास करके जैसे बस स्टैंड हम वहाँ जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करें, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जाकर हम बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि अगर हमें एक्सीडेंट्स कम करने हैं उसके लिए एक ही मार्ग में वो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं आज यहाँ जब किसी भी स्कूल से निकलते हैं तो आज इनमें जो भी अच्छी हैबिट्स बनेगी वो तो बाद में जब ये लोग गाड़ियाँ चलाएँगे तो ये फिर हेलमेट भी पहनेंगे और सीट बेल्ट भी पहनेंगे। और ख़ास करके कहते हैं कि समाज में कोई भी अगर बुराई है उसको ख़त्म करना है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऐसे माध्यम हैं जहाँ से कोई भी अगर हम अवेयरनेस शुरू करते हैं वो कंपेन का रूप लेने के लिए, और वो जो प्रॉब्लम है जो बुराई है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आज हमने स्कूल, क्योंकि ये हमारा कोई सातवां स्कूल है, इससे पहले छः स्कूल में हमने जाके रोकर की अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं जो भी ट्रैफिक रूल एग्जीशन के प्रति हैं, इन बच्चों को हम अवेयर करते हैं और ये बच्चे वो मैसेज लेके अपने घरों में जाते हैं, अपने घर में वो माँ बाप को अपने ब्रदर को उनको भी अवेयर करते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि ये जो रोड सेफ्टी का मैसेज है जब तक घर घर तक नहीं जाएगा तो जो हमारे रोड एक्सीडेंट हैं वो कम नहीं होंगे। क्योंकि आम लोगों की जो धारणा है एक्सीडेंट अगर हमने कम करने तो उसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या RTO का ही रोल नहीं है, बल्कि हर एक आदमी जो गाड़ी का इस्तेमाल करता है, चाहे वो रोड गाड़ी चलाता है चाहे रोड पर अगर पैदल चलता है, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं जो रोडों का इस्तेमाल करते हैं, जब तक हम ट्रैफिक के जो नियम कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनकी पालना करके गाड़ी नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे। पेरेंट्स को क्या कहेंगे सारे? देखिए बड़ी बार हमें भी प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम रोड के ऊपर चेकिंग करते हैं तो तकरीबन 15 बच्चे जो गाड़ियाँ चलाने चलाते हैं। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि एक एक पुलिस वाला या ट्रैफिक वाला या RTO का आदमी एक एक मोटरसाइकिल के पीछे नहीं जाकर उसको चेक कर सकता, इसमें पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि पेरेंट्स इस चीज़ को इंश्योर करें, एक तो वो अंडरएज बच्चों को गाड़ी मत लेके दें, दूसरे अपने उन बच्चों को गाड़ियाँ चलाने के लिए लो करें जो 18 साल के ऊपर है।